दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत के इस खास कार्यक्रम बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। ये कार्यक्रम ही जनता की समस्याओं से हम सरकार को प्रशासन को रूबरू कराते हैं। हम इस वक्त हैं मानगो के गांधी मैदान में। पहले आप यहाँ की जनता को दिखाना चाहते हैं, मानगो क्षेत्र की जनता है ये, क्या समस्या है इस क्षेत्र में, हम लोगों से बारी बारी से जानेंगे। और क्या अगर समस्या है तो प्रशासन ने क्या क्या अब तक कोई समस्या का समाधान किया है या नहीं किया है। सीधा हम जुड़ते हैं यहाँ की आम आदमी से, जो क्या समस्या है पहले जी बताइए। मानगो में आप रहते हैं, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या समस्या है? समस्या ये है, गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ही। गंदगी का कोई वो नहीं है, विकास नहीं है। और पहले जो सरकार थी बहुत अच्छी सरकार थी, जिस तरह से काम हुआ था हम लोग को लगा था कि कुछ काम हुआ है, तो ये सरकार ने तो कोई काम नहीं किया है। और ऐसी सरकार जो है हम लोग को लगता है कि ये सरकार ख़त्म हो जाएगी दफ़े, और पहले की सरकार की आप बात करती तो क्या गंदगी नगर निगम है या प्रशासन है, वो लोग इस पर काम नहीं कर रहे हैं? एकदम नहीं काम कर रहे हैं। अभी देख लीजिए, सफाई हो ही नहीं रही है। अभी देखिए डेंगू कितना फैला हुआ है, टीएमएच जाके देखिए, पूरा टीएमएच भरा हुआ है डेंगू से। अब मानगो के 90% आदमी वहाँ पर ही एडमिट है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। जितना भी नोटिफाई में आप चल जाइए, नगर निगम में जाइए, कोई काम नहीं किया जा रहा है। और लाइट का बोलिए, कोई कोना में लाइट नहीं है। गली गली में कुत्ते ऐसे फिर रहे हैं कि लाइट है नहीं, कितने बच्चे लोग कुत्ते लोगों ने काट लिया है। और परेशानी, डेंगू की बात की, सही में डेंगू काफी लोगों को अपने चपेट में ले लिया है, तो क्या इस क्षेत्र में नगर निगम के लोगों के द्वारा ये मच्छर के लिए या फिर डेंगू से बचाव के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो कोई उपाय नहीं किया गया है। बोल बोल के परेशान हो गया आवाम, बार चले जा रही है बार बार, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कि हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसी सरकार आए जो हम लोग का सुने, आवाम का सुने, और हम लोग जो है आगे चल के जो है कुछ काम कर सके। आवाम जो लिए ना, किसी से भी आप बात कर लीजिएगा, वो मानगो के लिए कोई विकास नहीं हुआ है दफा जी। देखिए, इनका ये कहना है कि मानगो में कोई विकास नहीं हुआ है, ये जिस तरीके से कह रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत है इस क्षेत्र में तो डेंगू, सही में डेंगू काफ़ी लोगों को अपने चपेट में ले लिया है। निश्चित तौर पर जो नगर निगम है या जिला प्रशासन है, जो डेंगू की जो सबसे ज़्यादा केसेस इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उस ओर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो डेंगू का महामारी फैल रहा वो ना हो सके। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। चाचा आप सामने आ जा रहा, काफ़ी दिनों से रहते हैं ये तो डेंगू की बात की, अगर और भी चीज़ों की बात करें, साफ सफाई या रोड की, तो क्या लगता है प्रशासन या सरकार की ओर से काम हुआ है? अभी अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जैसा हम लोग देखें, जैसे कि बरसात बारिश हो रही है, पूरा रोड गली नाला सब जाम, पूरा कोई पानी का निकास का कहीं कोई रास्ता है ही नहीं। लोग परेशान है, रोड पार करना मुश्किल है, नमाजी को नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा है। हम लोग हर बहुत तरह से परेशान हैं। लाइट नहीं है, कहीं कहीं पूरा लाइन में लाइट नहीं है। बारिश होती है जवाहरनगर फूल नगर में, इसमें छः नंबर में जब पानी होता है तो घरों में पानी घुस जाता है। इतना इतना बोल बोल के थक गए यहाँ पर, लेकिन प्रशासन नगर निगम पर इस पर कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। कुत्तों का आतंक इतना बुरा है कि बोलना नहीं है। दिन दहाड़े बच्चों को उठा के ले आ रहा है, गली में काट दे रहा है, जानवरों को परेशान कर रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। दोबारा आज से 3-4 साल पहले जो नया पाइपलाइन जो बैठा था, रोड को पूरा डैमेज कर दिया। डैमेज करने के बाद हम लोग बना देंगे, सरकार ने कहा, लेकिन आज तक तो कोई ध्यान नहीं, ऐसे ही चल रहा है। अब बारिश होती है, पूरा इतना इतना कीचड़ काजा है, कहीं चलने का रास्ता नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है आप लोग से कि नगर निगम से कि इस पर ध्यान दिया जाए, और लाइट रोड रास्ता घाट नाला जितना भी है जो गंदगी से भरा हुआ है, उसको साफ़ सुथरा किया जाए। जी देखिए, इस क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम की समस्या बता रहे हैं। बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इन लोगों को, क्योंकि बरसात में पानी होने से घरों में घुस जाता है। निश्चित है जो प्रशासन के कुछ कुछ लोगों ने कुछ क्षेत्रों में इस ओर तो काम किया है, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है, लोग परेशान हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो कुत्तों का भी आतंक लोग बता रहे हैं कि काफ़ी है, काफ़ी लोगों को काटा है। रात के समय में बिजली नहीं रहती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप आए क्या, इन्होंने तो बताया पानी के लिए, और अगर साफ़ सफाई बिजली की बात करें, क्या लगता है कि इस क्षेत्र में है वो प्रॉपर? जी हाँ, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है वो गंदगी की है, साफ सफाई की है। ये
जो अभियान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, ये बहुत अच्छी पहल थी। लेकिन ये साफ सफाई सिर्फ सड़कों तक महदूद है, मोहल्ले की गलियों में, मोहल्ले के सड़कों में बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। यहाँ नोटिफाइड के जो ठेकेदार हैं, अगर मैं उनको ले जा के गलियाँ दिखाऊँ यहाँ की, तो मेरे ख्याल में हमारे वज़ीर आज़म को ही दुख होगा। ये जो स्वच्छता मिशन लेकर अभियान सफाई का चलाया इन्होंने, ये मकसद उनका हल नहीं हो रहा। नोटिफाइड वालों को चाहिए कि गलियों को देखें। हमारे घर के पीछे एक साल पहले कचरा निकाल कर रख दिया गया, अभी तक उठाने के लिए कोई नहीं आया। इस अभियान में आपने देखा होगा कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी समंदर के किनारे बोतल उठा रहे हैं, हम लोग अपने हाथ से कचरा उठा के फेंक देते हैं, तो वो कचरा उठता नहीं है, यहीं का यहीं है। देख लीजिए ये मैदान में कितनी गंदगी है, ये सामने ही नोटिफाइड के वो वहाँ कचरा भरा पड़ा है। तो ये इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी? साफ सफाई कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ हमारे पूरे मोहल्ले के लोग जाते हैं, वहाँ से आदेश मिलता है कि नहीं साफ सफाई होगी, हम लोग करेंगे, फिर वही बिल्ली के तीन ठाट, कुछ नहीं होता। बस इतना ही मुझे कहना और कुछ नहीं कहना। जी देखिए, इनका कहना है कि जो नगर निगम है, नगर निगम के ऑफिस के पास ही कचरा है। जैसे साफ सफाई तो होता है, जो मेन रास्ते हैं, जो मेन रोड है, उसे साफ सफाई कर दिया जाता है, लेकिन जो बस्तियों का इलाका है वहाँ साफ सफाई नहीं हो रहा है। जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र किनारे प्लास्टिक कलेक्ट करते नजर आ रहे हैं, तो उस तरीके से नगर निगम को भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो स्वच्छता अभियान का जो शुरुआत हुआ है, जो स्वच्छता को लेकर कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तब जाकर सार्थक होगा। चाचा थोड़ा सामने आ जाए, क्या समस्या है इस क्षेत्र में? आप तो बुजुर्ग, जितनी बात लोगों ने समझाया कहा, यही चीज़ है कि ये नाली सामने देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा जाम पड़ा है। नाली तो बना दी आपने, अब पूरा जो जाम हो रहा है उसकी गंदगी, उसके बद बीमारी, वो जितना बीमारी फैले कहाँ जाएगा, इस बस्ती में ना जाएगा? तो आपने मतलब बनाने को बना दिया, यहाँ भी बना दिया, वहाँ भी बना दिया, आज तक जाम हो गया, पानी रोड में आ रहा है लेकिन क्लियर हुआ ही नहीं आज तक क्लियर नहीं हुआ। यहीं चले जाइए बावनगोड़ा में, वो नाली बना दिया गया करोड़ों रुपया खर्चा करके, जाम हो गया, आज तक वो सफाई नहीं होता, तो मतलब क्या? वो बनाने का करोड़ों रुपया आपको ठेकेदारी में मिल गया, आपको फायदा हो गया, लेकिन आवाम को फायदा नहीं हुआ, कुछ भी, एक पैसा भी नहीं, बस यही बात और क्या। जी देखिए, सरकार के द्वारा नाली बनाई गई है, चाहे जो भी ड्रेनेज सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है वो काम हुआ है, लेकिन उसके बाद नाली को जिस तरीके साफ सफाई रखना चाहिए, चाहे साफ सफाई करना चाहिए, वो नहीं हो रहा। नगर निगम को लेकर काफ़ी लोगों में नाराज़गी है। निश्चित है जो नगर निगम के लोग हैं या प्रशासन के लोग हमारी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, तो इनकी जो समस्या है कल समाधान ज़रूर करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, सर थोड़ा आप आगे आ जाए, आइए। साफ सफाई तो हो गया, क्या लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बढ़िया हॉस्पिटल? नहीं, यहाँ हम ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग के जो क्षेत्र है इसमें बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं है, सरकारी हाई स्कूल नहीं है, और पिछले 30 साल की जो भी सरकार रही है वो यहाँ 3 जो सरकारी स्कूल है उसको हाई स्कूल नहीं कराया है। इससे पहले बोला भी गया था, तो बोला था गांधी स्कूल को, जवाहर नगर उर्दू स्कूल को, बावनगोड़ा उर्दू स्कूल को हाई स्कूल कर दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो विधायक महोदय को करना चाहिए, खुद मंत्री हैं तो ये काम करना चाहिए। और इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औरतों को जो बच्चा जनने का जगह है वो अभी तक नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल उसी पर निर्भर है इतनी बड़ी आबादी। तो उनको चाहिए था कि मानगो चौक से लेकर के पाटनी चौक के बीच में और मानगो चौक से लेकर के डिमना चौक के बीच में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कम से कम होना चाहिए था। एक और यह मसला जो नाली और ये जो चल रहा है उसमें एक और मसला ये है कि जब से गौ मास बंद हुआ है, गौ मास बंद तो हो गया ज़रूर है लेकिन कुत्तों की तादाद वैसा ही है। तो मेरा सरकार से कहना है कि अगर आप गौ मास बंद करके गौशाला बना करके गाय को रखने का जगह बना लिए हैं तो कुत्ता का रखने का भी जगह बना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ के लोग माने अपने आप को महफूज सुरक्षित महसूस करेंगे। जैसा चचा बता रहे थे कि कुत्ता काट लेता है, बच्चों लोगों को दौड़ा देता है, जो फजीर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनका कुर्ता पकड़ लेता है, ये सब रोज़ होते रहता है। तो 3 चीज़ें, ये कुत्ता वाला मसला हल किया जाए और स्कूल को हाई कराने का आश्वासन मंत्री जी खुद हैं सरकार में वो करें,
और जो दो स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक उस रोड में मानगो रोड डिमना चौक रोड में और एक पाडली चौक में मिलना चाहिए, जो यहाँ की मूलभूत सुविधा है। शुक्रिया जी। देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए नहीं है। निश्चित तौर पर जो छोटी मोटी बीमारियों के चलते लोगों को यहाँ से मानगो पुल पार करके MGM अस्पताल जाना पड़ता है, निश्चित है सरकार, क्षेत्र के विधायक सब मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इन्होंने एक बात और कही कि हाई स्कूल नहीं है। काफ़ी दिनों से इन लोगों की मांग है कि मानगो के क्षेत्र में एक हाई स्कूल होना चाहिए। स्कूल है जो है प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल नहीं है। तो निश्चित है कि सरकार प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो स्कूल के जो छात्र हैं, जो अपना भविष्य तय करना चाहें अच्छे स्कूलों में अच्छे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो करने की ज़रूरत है, ताकि लोग यहाँ के जो शिक्षा है ग्रहण कर सके। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप आइए आइए आइए। देखिए, इधर इधर से बात करते हैं। हाँ जी, बताएं क्या समस्या है। देखिए, ये तो कचड़े की बात लोगों ने कह दी, आप नौजवान हैं, क्या नहीं लगता कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ अच्छा होना चाहिए। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान को बनाने से नहीं होता। अगर आप बोलेंगे कचड़ा को साफ कर देने, स्वच्छ भारत अभियान बन जाएगा, बीमारी या परेशानी नहीं होगा, तो हम उसके लिए करने के लिए हम तैयार हैं।